in Rajasthan, this kind of view one cannot see very, you know, frequently. It's very rare here. So if you can make out here, there is rain going on, you know, if you can see the red light, and sunset is happening here. Very beautiful clouds here. So we are in Jodhpur right now, and this is our first spot which we are exploring. So यहाँ पे हमने अभी ब्लैक बर्ग्स देखे, दो ब्लैक बर्ग्स, और यहाँ आप बादलों का व्यू देख सकते हैं. तो हम लोग विश्नोई विलेज की सफारी पे जा रहे हैं. ये डर से इसके प्रेम से पता चल जाता है कि यहाँ पे सर क्या चल रहा है. मतलब उसको कोई डर, कोई डर नहीं है. पता है कि मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया. ये प्योर नींद आया है ब्लैक कलर की. Guys, we two black bug we spotted here, and I can see them, but I don't know if camera is capturing those black bugs or not. They are eating chara. So two black bugs are here. तो ये इको टूरिज्म साइट है विश्नोई समाज के. तो यहाँ पे हम आए हैं ताकि हम ब्लैक बग को और नज़दीक से देख सकें. सो हमारा गाइड हमें बुला रहा है जल्दी जल्दी, तो आई हैव टू रन टू सी द ब्लैक बग. यस, so this is a pond here. So जहाँ पे आप पक्षी देख सकते हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स. सो वी आर रशिंग टू सी अ ब्लैक बग हियर विच आई कैन सी फ्रॉम हियर बट इट्स वेरी फार अवे. सन इज सेटिंग, लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. So if you can see the black bug there. Yeah. So that's the black bug. ये क्या चीज है जिसको खाते हैं, काहे का पेड़ या झाड़ है, क्या है? पूरा झुंड है ना, ये प्रॉपर है ना, मतलब ये सारे दे आर गोइंग इन फ्लॉक. एक ब्लैक बग है, बाकी सारे हिरन है ना, और पीछे सुअर भी हैं सर. हाँ, सुअर भी हैं.
छोटे बच्चे हिरन भी हैं, और आई एम श्योर जो तक जो भी एडल्ट हिरन हैं वो क्या हैं, और कहीं मोर के भी पास से आवाज़ आ रही है, पीछे से आ रहा है पेड़ के ऊपर, वो बैठा है अंदर पेड़ के अंदर, वो रहा भाई साहब अंदर बैठे हैं। एक भाई ये कॉटन का है, एक बनाते हैं ऊंट के बाल होते हैं ना, कैमल है, कैमल की बनाते हैं। ये आपने बनाई है दरी? हाँ जी, ये कैमल वूल है, ये नेचुरल कलर होता है, नेचुरल इसमें डाई नहीं होती। अच्छा, तीन टाइप के कलर होते हैं कैमल, ये कलर है, एक ब्लैक कलर होता है और एक वाइट कलर। पहले कैमल के हेयर को एक साल में एक बार शेव करते हैं, फिर स्पून करके इसका थ्रेड बनाते हैं। स्पून करते हैं फिर इसकी ये तरीके, ये रफ होता है, हाँ जूट जैसा, हाँ जूट जैसा, एक जूट का भी बनाते हैं। और ये वाली दरी किस से बनाते हैं? ये कॉटन है, कॉटन है। और जूट का भी बनाते हैं? अच्छा, ये जूट है, हाँ इसको डाइंग करके फिर बनाते हैं। अच्छा, ये जनरेशन काम है, जनरेशन काम है, जनरेशन का काम है। अच्छा, तो आपको बना हुआ हमारा, हाँ अच्छा, ये किसका दिखा रहे हैं आप? जूट का, ये कॉटन वूल का, कॉटन दीवारों पे भी टंगी है ना? हाँ बिल्कुल, खा सकते हैं, फर्स्ट में करो आप, गार्डन बैठने गार्डन यूज कर सकते हैं, वॉलिंग कर सकते हैं, टी टेबल अंदर लगा सकते हैं। So, ये दरियां हैं जो ये लोग बनाते हैं कॉटन थ्रेड से और कैमल वूल से, कैमल हेयर से। ये किस चीज़ के हैं? ये भी कॉटन है। तो कितने तरह की होती हैं, कितने तरह की होती हैं? कॉटन की, जूट की, कैमल। अच्छे, तो आप लोगों का यही काम है? ये हमारा जनरेशन काम है, जनरेशंस का काम है, चार जनरेशन की ये काम है। अच्छा, क्या प्राइस है इनके? ये मैं 6000 का है, और ये सेम साइज का है, जूट का, ये 4800 का है। अच्छा, ये 7500 का, ये और इसका। अच्छा, और छोटा साइज 3400। अच्छा अच्छा, और कौन सा आशा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना है। नमस्ते।
आप हमें क्या ब्लॉक प्रिंटिंग दिखाने जा रहे हो? अच्छा, क्या कास्ट है? चीपा। अच्छा चीपा, चीपा। हाँ हाँ हाँ। ये कलर को कैसे बनाते हैं? हल्दी और बाजरे का आटा। हल्दी और बाजरे का आटा। बाजरे का आटा, नमक। हाँ हाँ, तीन मिक्स करके ऐसा करते हैं। ये निकलता नहीं है? नहीं, पक्का है। ये सार में लाल मिट्टी और नमक दो दारू बाल ली। अच्छा, बाल दे वाला दूध में ऐसा ला देते। अच्छा, ये ऐसा हो जाएगा। ये बाल में मिट्टी और गोंद। मिट्टी और गोंद। अच्छा, दोनों तीन कर दिया ऐसे। जो गोंद वो बबुल पे लगता है ना, वो वाला। अच्छा अच्छा, इसी ब्लॉक से इसके ऊपर लाल के ऊपर लाल को कवर करने के लिए मिट्टी का ब्लॉक लगाएंगे। अच्छा, मिट्टी का ब्लॉक लगाने के बाद इसको इंडिगो, छोटा सा प्लांट होता है, इंडिगो में डीप करेंगे इसको। इंडिगो डीप करेंगे ना, जहाँ लाल है, जहाँ मड थी वहाँ पूरा लाल है, जहाँ मड नहीं है वहाँ पूरा ब्लू है। अच्छा, मड इसलिए लगाते हैं कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये यहाँ के गांव में पटेल कम्युनिटी की लेडीज पहले होती थी ना, तो इसका स्कर्ट बना के पहनती थी, इसलिए पटेल कम्युनिटी हो गई। ट्रेडिशनल लेडी यहाँ अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग पहनती थी। अच्छा अच्छा, ये क्या? ये रबारी ये तो बहुत चलता है आजकल। बेडशीट्स वगैरह भी बनाते हैं। ये सारा फ्लोर और फिल्म में बनता है। ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। नाइस। ये बेडशीट्स हैं। ये सारा नाम फ्लोर और फिल्म में बनता है, या फिर टेबल और फ्लोर में बनता है। ये तो क्या हाईवे है जो हम हमारे गांव में यहाँ से 90 किलोमीटर दूर दीपार। अच्छा, वहाँ पर पूरा वर्कशॉप लगा हुआ है। अच्छा, वहीं से आता है ये सामान? ये सारा वहाँ बनता है। हाँ हाँ, ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए बैठे और थोड़ा बहुत माल हमारे पास पड़ा है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। ये 5 दिन में तैयार हुआ है। हाँ हाँ, कैसे भी धो सकते हो, हाथ से, मशीन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कितने की है ये बेडशीट? ये 1400 रुपये। ये वाली? और ये? बहुत सुंदर है ये वाली। और इनके कलर नहीं निकलते आप कह रहे हो? बहुत प्यारे। क्या साइज क्या है इनका? 8x9। तो बोर से देखोगे ना आप, लाइन इक्वल नहीं मिलेगी। कोई भी बोर से टुकड़ा के देख लें आप, ये बाकर होता ना, दूर से ऐसा लगता है, बाहर नचा तो ऊपर खबर होता है।